नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो आपके सामने जो है सीड्स के पैकेट रखे हुए हैं, कुछ आप देख ही पा रहे हैं, ये सारे जो है समर के फ्लावर है। अगर आपके गार्डन में अभी फूल नहीं आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कुछ है, ये सीजनेबल फ्लावर है, सीड्स से ग्रो होने वाले हैं सारे, तो आप इस तरह के जो फ्लावर है अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। इनको जो है सीडलिंग करने का राइट टाइम अगर बोलेंगे तो मार्च के टाइम पे आ जाता है। मार्च के लास्ट से आप इसको जो है सीडलिंग कर सकते हैं, और आप इस समय फिर से जो है इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये समर में अच्छे फ्लावरिंग करता है, प्लस ये जो है रेनी सीजन में भी बहुत अच्छे से फ्लावर देता है। विंटर में इसके फ्लावर नहीं आएंगे क्योंकि ये सीजनेबल है, इसीलिए तो 2 मंथ ही आपको जो है इसके फ्लावर मिलेंगे, 2 से 2.5 मंथ, फिर ये जो है प्लांट जो है ख़त्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इसकी सीडलिंग किस तरह से मैं करूँगी, और इसे जो है अगर इसके सीड्स अच्छे कंडीशन में हैं तो इसके जो है अगर प्लांट्स बने तो मैं प्लांट्स भी आपको ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी। तो पहला जो मेरा फ्लावर के सीड्स हैं, तो फर्स्ट जो मेरा आज का फ्लावर का प्लांट है, गॉम्फेडना का फ्लावर प्लांट है। आप देख सकते हैं ये गॉम्फेडना का जो फ्लावर है, ये गर्मी में बहुत अच्छे से उग जाता है, तो आप इसे जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दूसरा जीनिया है, जीनिया जो है सबसे बेस्ट फ्लावर होता है समर का, बहुत अच्छे फूल आ जाते हैं। तीसरा जो है बर्मीना, तो ये भी अच्छा फ्लावर ही है। और चौथा जो है कलार्डिया का है, तो ये 4 जो सीड्स है मैं इसको जो है सीडलिंग करूँगी, और इससे जो है आपको प्लांट किस तरह से आप बना सकते हैं। आप इसको जो है 2 तरह की मिट्टी में जो है आप बना सकते हैं, एक आप कोकोपीट के अंदर 50% मिट्टी और 50% जो है आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, और इस तरह का जो डिस्पोजल ग्लास है, अगर जैसे मेरे पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो ये बहुत अच्छा होता है, इसमें होल कर लीजिए और आपने जो भी प्लांट लगाया है उसका जो है नाम आप लिख लीजिए, या अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो डेट भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, तो आपको पता रहेगा कि कितने तारीख को आपने जो है वो इसमें जो है आपने सीडलिंग की है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप कोई स्टिक भी इसके अंदर डाल सकते हैं लिख कर कि कौन से, अगर आप कप में नहीं लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से मैं सारा जो है लिख लेती हूँ कि कौन सा क्या फ्लावर है। तो चलिए लिखने के बाद मैं आपके साथ फिर से दिखाती हूँ। मैंने इस तरह का एक नॉर्मल जो है ट्रे लिया है, ट्रे के अंदर मैं जिस तरह से जैसे सीड्स रखे हुए उसी पोर्शन में जो है आपके सामने जो है ये कप्स में सारा मैंने लिख लिया है, और नीचे होल भी कर लिया है सारे फ्लावर के जो नाम है। तो इसमें जो है मैंने सॉइल मिक्सचर मैंने लिया है, उसमें लिए मैंने 50% कोकोपीट और 50% जो है ये नॉर्मल जो मेरे गार्डन सॉइल है वो लिया है। यहाँ मैंने कुछ जो मेरे ये होल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो इसीलिए मैं नीचे जो है ये जैसे नारियल का जो छिलका रहता है उसी का जो डस्ट है वो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। अगर आपके होल छोटे हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा होल थोड़ा सा बड़ा है, नहीं तो सारी मिट्टी जो है नीचे निकल जाएगी, तो क्या और डाले, क्योंकि कप बहुत ज़्यादा छोटा है और मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए सीडलिंग के अंदर। तो मैं बात कर रही थी कि जैसे मैंने यहाँ पर कोकोपीट और जो है मिट्टी का 50% ऐड करके जो है दोनों को लिया है, आप अगर चाहे तो आप सैंड में और 50% सैंड और 50% जो है गार्डन सॉइल वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी सीडलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो आप उसका भी कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स करके जो है कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो है आप सीडलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी के सीज़न में जो है सीड्स जर्मिनेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सारे जो प्लांट के सीड्स है ये अच्छे से आपके जर्मिनेशन हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपके प्लांट के जो सीड्स जर्मिनेट ना हो तो आप जो है इसको जैसे 2-3 दिन आप इसको जो है थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। आप चाहे तो अपने रूम के किसी ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहाँ पर
लाइट वगैरह अच्छी रहे, लेकिन सनलाइट ना हो, तो वैसे जगह पर भी आप 2 से 3 दिन तक ही रखिए। उसके बाद जैसे हल्के से इसमें जो है आपके सीडलिंग से प्लांट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप इसको जो है आउटडोर में लेके आइए। तो गर्मी के बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको जो है बाहर 3 दिन या 4थे दिन तो पक्का ही लेके आइए, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसको आप मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो प्लांट आप ट्रांसप्लांट करने में आपको दिक्कत आ जाएगी, या वो अच्छी कंडीशन में नहीं बन पाएंगे। अगर आपका 3 दिन से ज़्यादा आपने प्लांट को जो है इंडोर में रखा सीडलिंग वाले, तो आपको 3 दिन के बाद आपको जो है उसको हल्की धूप में रखनी ही पड़ेगी। तो वैसा ही करेंगे तो आपका जो है प्लांट से सीड अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि जो जीनिया के प्लांट है उसमें बहुत ही फटाफट से जो है सीडलिंग से प्लांट बन जाता है, 2 से 3 दिन में ही उसका प्लांट बहुत अच्छे से बन जाता है। हर सीडलिंग का जो है टाइमिंग वो अलग रहता है, कोई सीड्स बहुत ही जल्दी से जर्मिनेशन में आ जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और कोई कोई सीड जो है काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो मैं वाटर ले रही हूँ इसके अंदर जो है, क्योंकि सीडलिंग करते हैं हम लोग, तो सीडलिंग में बहुत ही ज़्यादा फंगस का अटैक होना नॉर्मल रहता है। तो आप यहाँ पर अगर नॉर्मल वाटर ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास अगर साफ़ फंगिसाइड वगैरह है तो आप जो है थोड़ा सा फंगिसाइड भी उसमें जो है ऐड कर लीजिए वाटर के अंदर, और जो है अच्छे से जो इसको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। तो अच्छे से आप स्प्रे कीजिए इसमें, अगर आप पानी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक साथ आपको वाटर नहीं देना है। आपको जो स्प्रे अगर बॉटल है तो ठीक है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी जैसे नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल होती है उसमें हल्के हल्के से जो है छेद कर लीजिए, अगर तो आपका वो स्प्रे बॉटल का ही काम करेगा। तो आप उससे भी जो है अपने सीडलिंग वगैरह में वाटरिंग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास स्प्रे की बॉटल है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट स्प्रे कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से जो है मैंने कोकोपीट और जो ये सॉइल का मिक्सचर है इसे मैंने बहुत अच्छे से जो है गीला कर लिया है। अब जो मेरा सेट के प्लांट के जो पैकेट्स है उसको जो है मैं काट लेती हूँ कि किस तरह के सीड्स इसमें आए हैं। मैंने अभी तक इसको खोल के देखा भी नहीं है कि किस तरह के सीड्स की कंडीशन है या जर्मिनेशन रेट क्या रहेगी, या पता नहीं, करेंगे जब पता चलेगा। तो चलिए कर लेते हैं। इसके जो फ्लावर के जो आप देख सकते हैं सीड्स बहुत ही मतलब कि जैसे रुई जैसे होती है उस टाइप का इसके जो सीड्स है, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, तो इस तरह का रहता है। तो ये जो है आप चाहे तो एक एक कप के अंदर एक एक दो दो भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा 2-4 ज़्यादा डाल दूँगी, क्योंकि अब पता नहीं है कौन सा जो है जर्मिनेट होगा या कौन सा नहीं, तो 2-4 जो है डाल देती हूँ, क्योंकि ये कप भी ठीक साइज़ का है, इसमें छोटे छोटे से प्लांट 3-4 तो बन ही जाएगा, एटलीस्ट 2 खराब हो तो 2 भी बन जाए। और जो है जीनिया का तो मेरा ऑलरेडी पहले भी शेयर है, तो जीनिया का जो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट बनाना है या किस तरह से आपको उसकी देखभाल करनी है, कि बहुत सारे जीनिया के जो वीडियोस मेरे काफ़ी सारे हैं जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि जीनिया का किस तरह से देखभाल करनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वर्मीना का है, उसको भी जो है कटिंग करके मैं फटाफट से आपको सीड्स भी दिखा दूंगी, और जो है इसको जो है सीड्स को किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप अगर नॉर्मल जैसे इस तरह से अगर आपका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो आप किसी बड़े पॉट्स के अंदर मतलब जैसे ये आप देख सकते हैं इसके सीड्स कुछ इस तरह से हैं, तो इसको भी जो है इसको डाल देते हैं। मैं बता रही थी कि ये करते करते मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ, अगर इस तरह से आपके जर्मिनेशन नहीं हो रहे हैं या कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है तो आप जो है कोई फ्लैट जगह जिसका वृत्त कम हो तो इसे भी जो है अनबॉक्सिंग करके इसको भी जो है मैं आपको जो है दिखा देती हूँ ग्लाडिया का। इसके भी सीड्स आप देख सकते हैं, इसके सीड्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं, पर दिखने से आपको सीड्स का पता नहीं चलेगा जर्मिनेशन रेट। तो जर्मिनेशन रेट भी पता करना, उसके लिए आपको जर्मिनेशन करके देखना पड़ता है।
तो ये भी जो है मैं डाल के, और इसके ऊपर जो जो भी मैंने मिक्सचर बनाया है कोकोपीट और सॉइल का, उसको जो है हल्की लेयर बिछा देंगे वापस। तो वही मिक्सचर मैं हल्का सा जो है इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ कोकोपीट भी डाल सकते हैं, या आपके पास सैंड है तो सैंड भी आप ये ले सकते हैं। जैसे सैंड और सिर्फ सॉइल का मिक्सचर अगर आप बना रहे तो वो भी आप डाल सकते हैं, आपके पास जैसा मिक्सचर आपने बनाया है। क्योंकि सीडलिंग के लिए आपको बहुत जैसे खाद वगैरह कुछ भी डालना नहीं होता है, आप नॉर्मल जैसे बना सकते हैं अपना सॉइल मिक्सचर, और उसमें भी आप सीडलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं इसको कवर करने के बाद में सॉइल से उसके बाद जो है इसमें हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग के लिए आप जो वाटर ले रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप इसी में ही सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होने के चांसेस होते हैं सीड्स में, सीड्स ग्रो करते समय। तो आप हल्का सा कोई भी आपके पास 1 ग्राम जितना आप वाटर के अंदर मिला लीजिए, कोई भी फंगिसाइड हो गया तो आप वो मिला सकते हैं। मिलाने के बाद में ट्राइकोडर्मा हो गया, या साफ हो गया, या बेबस्टिंग का आता है वो भी हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है, मैं कोई भी ब्रांड का बारे में नहीं बोल रही, बट फंगिसाइड होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया है दोस्तों। अब ये 4 दिन बाद का वीडियो है। जर्मिनेशन रेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है इसकी, मतलब जितना हमने सीड्स डाले थे उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम चांसेस में जो है फ्लावर के जो प्लांट है वो निकला है। तो इसमें तो मुझे एक ही दिख रहा है, बट छोटे छोटे से जो निकल रहे हैं इसमें 2 दिख रहे हैं। हाँ, जीनिया के एक के अंदर आप देख सकते थोड़े ज़्यादा है, ये जो है गॉमफेरना का है, और इसमें जो है जीनिया का एक निकला है, वो भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, और इसमें जो है थोड़े से ज़्यादा अच्छे से आ चुका है। तो बाकी जो आप देख सकते हैं बर्मिना का, मुझे एक भी प्लांट नहीं मिला है, एक भी सीड्स जो है जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता इसके सीड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर भी मुझे 1-2 प्लांट्स अगर मिल जाए, मतलब मैं सारा जो है अभी करके भी बाद में देखूंगी कि पैकेट्स के सीड्स अगर काम ही नहीं आए तो क्या मतलब है। तो अभी भी मैं इसको, ये 4 दिन का वीडियोज़ है, काफ़ी सीड्स जर्मिनेशन में थोड़ा वक्त लगाते हैं, तो मैं थोड़े दिन और देख के फिर आपके साथ वो भी दिखाऊंगी अभी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं एक भी प्लांट नहीं निकला है, ये 4 डेज बाद का वीडियोज़ है, और इसमें जो है एक प्लांट थोड़ा सा दिख रहा है, पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, एक ही प्लांट मुझे जो है हल्का सा दिख रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट भी मैं आपको जो है दिखाती हूँ कि अगला जो है आपका जो है कितने दिन में निकल रहा है इसके जो है प्लांट है। तो ये मेरे 4 डेज का जो है वीडियो है। तो अब जो है अब देख पाएंगे, ये जो है 8 डेज का है। 8 डेज में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, फिर भी थोड़े बहुत 1-2 प्लांट जो है निकला है। तो अभी जो है मैं आपको इसको और थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देती हूँ कि थोड़े से जो है प्लांट और ज़्यादा आए हैं, जैसे गॉमफेरना में भी थोड़े से दिख रहे हैं, जीनिया में तो पहले ही आपको 4 डेज में ही जो इसके जो है जर्मिनेशन हो गए थे। तो इसमें जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे निकल गए, 4-5 प्लांट दिख रहे हैं, इसमें 2 है, और जो जीनिया का है इसमें एक ही है, जो एक ही था बट अच्छी कंडीशन में नहीं है ये प्लांट, और ये जीनिया का निकल के आ रहा है। लेकिन अभी तक भी जो है वर्मिना का मुझे सीडलिंग से प्लांट जर्मिनेशन नहीं दिखा है, और ये जो है आपके सामने गलाडिया का जो प्लांट है उसमें जो है छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से आप देख सकते हैं, 2-3 इसके पास में जो है गलाडिया का रखा हुआ है। इसमें वर्मिना में जस्ट एक दिख रहा है, अब पता नहीं कितने बन पाएंगे एक से और क्या बनेगा। ये जो है आप देख सकते हैं गलाडिया का 2-3 फ्लावर के प्लांट जो है हल्के हल्के से जो है निकले हैं। तो अभी जो मैं है इनको जो है ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि ये जो टाइमिंग है, क्योंकि 8 दिन हो चुका है, इससे ज़्यादा इस कप्स में नहीं रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको जो है ट्रांसप्लांट करूँगी। ट्रांसप्लांट के लिए अब जो है आप जो मिट्टी रेडी करेंगे उसमें आप जैसे सैंड और सॉइल का इक्वल रेशियो रखने के बाद में आप 1-2 मुट्ठी ही आप जो है कोई भी कंपोस्ट मिलाइए, बराबर आपको तीनों नहीं रखना है, क्योंकि अभी भी इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने
50-50 जैसे मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि तीनों का इक्वल रखना है, लेकिन अभी जो आपको मिट्टी इस सिचुएशन में जो मिट्टी आपको तैयार करनी है, मिट्टी के लिए मैंने, आप देख सकते हैं मिट्टी तैयार करके मैंने गमले में तीनों भर लिया है। अब जो है मैं इसके सीडलिंग जो जर्मिनेशन हुआ है इनको जो है इसमें ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि जो मेरा जो है वर्मिना का एक भी प्लांट जर्मिनेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर तीन ही गमले लिए हैं, नहीं तो मुझे चार लेने पड़ते। तो मैंने जो यहाँ पर मिट्टी जो है रेडी किया है, उस मिट्टी में मैंने, जैसे आपको मैं बता रही हूँ, 40% सैंड लेना है, 40% आपको जो है नॉर्मल गार्डन सैंड लेनी है, और उसमें आपको 20% जो है आपको नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा काउडंक वाला अगर आपके पास है तो थोड़ा सा और भी कम कर दीजिएगा आप, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होगी, तो इसे इतना ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए। आपके पास अगर नॉर्मल किचन का जो वेस्ट मटेरियल से जो कंपोस्ट बनता है वो है, तो आप वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है रूट्स जो है बहुत अच्छे से जो है निकल चुके हैं, तो इसे फटाफट से जो है मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। एक आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपको थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके बता दूँगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसे बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ना है और ज़्यादा जो है इसे छेड़ना नहीं है, बिल्कुल आपका जैसा है, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटा प्लांट है, तो आपको ज़्यादा ना हिलाते हुए बस इसको इसी तरह से हल्के से मिट्टी में दबा दीजिए। और जो आप इसमें ये देखिए, आप सारा जो भी है बस इसको हल्की सी अब थोड़ा सा बड़ा होने देंगे, और बड़ा होने के बाद में आप इसको चाहे तो इनको अलग कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि प्लांट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है एक ही पॉट के अंदर, क्योंकि इस एक पॉट के अंदर एक या दो ही प्लांट आप रख सकते हैं। पॉट्स भी ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लिए हैं मैंने, यहाँ पर जो है 8 इंच का गमला लिया है। आप चाहे तो और भी छोटा जो है पॉट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी यही अवेलेबल था, तो मैं इसी के अंदर ही जो है इनको जो है ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो इसे बहुत ही आराम से आपको जो है निकालना है, और निकालने के बाद में, क्योंकि बहुत ही ये सॉफ्ट है अभी, तो फटाफट से मैं इनको जो है ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही, मतलब हल्के हाथों से आपको करना है। अगर आपने इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी की, या आपने इसको जो है थोड़ा सा भी इधर उधर किया, तो ये जो है नहीं लगेंगे। तो फटाफट से इनको मैं अभी ट्रांसप्लांट करके आपके साथ जो है बताती हूँ। तो दोस्तों ये जो है, अभी आप जब इनका ट्रांसप्लांट कर लें, तो मैं कुछ ये जब तक लगा रही हूँ तब तक मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँ। इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, कम से कम आपको 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक आप ऐसा कीजिए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना धूप सह नहीं सकता, अभी मैंने जस्ट इनको ट्रांसप्लांट किया है, और इनको एकदम अगर धूप में रखेंगे तो ये मर जाएंगे, तो नहीं बन पाएगा इससे फ्लावर के जो प्लांट है। तो मैं इनको जस्ट ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर मेरे बहुत सारे पॉट्स हैं, उनके बीच बीच में इनको डाल दूँगी, या आप चाहे तो अपने घर पे ऐसी जगह के, घर के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए। तो ये मैंने सारा जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है सेट कर लिया है। अब मैं इसमें जो है वाटर का स्प्रे करूँगी। वाटर स्प्रे करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आप सीडलिंग कर रहे हैं या कोई भी प्लांट को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो आपको जो है जो वाटर आप ले रहे हैं उसमें आप कोई ना कोई फंगिसाइड ज़रूर ऐड कीजिए। फंगिसाइड ऐड करने से आपका जो प्लांट है उनमें फंगस का अटैक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार जो है फंगिसाइड अप्लाई करें, जब आप सीडलिंग हो रही है तब आप कीजिए, और जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे तब आप कीजिए, फिर आप जो है 10-15 दिन में फिर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि नहीं तो फंगस का अटैक इनमें सबसे ज़्यादा होता है, और उसी से ही हमारे जो है प्लांट जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें मैंने जो है ऐड कर लिया है, उसके लिए आपको जो है 1 ग्राम जितना ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपको जो है मिक्स नहीं करना है, मतलब जस्ट एक चुटकी जितना आपको, जैसे कोई साफ फंगिसाइड हो गया या ट्राइकोडर्मा अगर है हो गया, तो अगर लिक्विड है तो आप उसे तो बहुत ही कम मात्रा में आपको ऐड करके जो है अपने प्लांट पर बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है। तो इसका जो है मैंने ट्रांसप्लांट भी कर लिया है, तो इसके बाद इसका क्या रिजल्ट रहता है वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज इतना ही था, आप
आपके आपको बताना कि किस तरह से आप जो है ट्रांसप्लांट वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। तो बाय।